अमेठी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, इसके पहले कांग्रेस की टेंशन अमेठी को लेकर बढ़ गई है क्योंकि ये सीट लगभग एक तरीके से राहुल गांधी के लिए रिजर्व थी। 2004 में पहली बार इसी सीट से वो सांसद बने थे और अब 2019 में स्मृति ईरानी ने ये सीट उनसे छीन ली। तो कांग्रेस के लिए अमेठी एक तरीके से काफ़ी बड़ी अहमियत हो जाते सीट के लिए जब 2024 इलेक्शन की बात आती है। तो इसके लिए अगर राहुल गांधी इस वक्त, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई है, तो अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो सबसे पहले कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है अमेठी को लेकर? चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रियंका गांधी, जो कि राहुल गांधी की बहन है और पार्टी महासचिव है, उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी भी है और साथ ही साथ वो चुनाव प्रचार में काफ़ी एक्टिव भी रहती है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी, अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो प्रियंका गांधी ये चुनाव लड़ सकती है और स्मृति वर्सेस प्रियंका गांधी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन है वरुण गांधी, जो कि फिलहाल बीजेपी के सांसद है लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं और उनको लेकर भी पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अगर वो कांग्रेस में नहीं भी आते हैं तो जैसे कि उन्होंने बीते दिनों ही सपा की काफ़ी तारीफें की थी, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफें की थी, तो ये भी कहा जाने लगा कि अगर वरुण गांधी सपा में भी जाते हैं और अगर सपा और RLD से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस उनके लिए ये सीट छोड़ दे। तो हो ना हो ये जो अमेठी सीट होगा एक तरीके से गांधी परिवार के पास तो नहीं होगा लेकिन वरुण गांधी के पास होगा। तो हो सकता है कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस ये सीट छोड़ दे, समर्थन दे दे। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है दीपक सिंह, जो कि अमेठी में युवा नेता है, काफ़ी पॉपुलर है और वो पूर्व MLC भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये चीज़ बोल रखी है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो जानते हैं कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट राहत दे देगा और राहुल गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये भी कांग्रेस के लिए एक ऑप्शन है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है संजय सिंह, जो कि अमेठी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, राजघराने से आते हैं, राजा बुलाया जाता है उन्हें और वो अभी BJP में शामिल हो चुके हैं लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें अपने दल में शामिल करने की जद्दोजहद करे और अगर वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कांग्रेस उन पर भी दाव चल सकती है। तो ये चार ऑप्शन है अमेठी को लेकर कांग्रेस के सामने, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह और दीपक सिंह। इसमें से क्या कांग्रेस चुनती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट राहत दे देता है, जो कि वो उन पर मामला चल रहा है, सूरत कोर्ट ने उन पे 15,000 का जुर्माना लगाया और 2 साल की सजा सुनाई, उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है, अगर हाईकोर्ट उन्हें राहत नहीं देता है तो वो आगे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अमेठी से कांग्रेस को कोई दूसरा चेहरा उतारना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।